चिट्ठी नहीं तो वोट नहीं, अब नहीं झुकेंगे, अब नहीं सहेंगे, घटनाएं अपमान की, सीएम चिट्ठी कब पहुंचाएंगे। खड़ावदास में मीना समाज सेवा संगठन जिला मंदसौर के तत्वाधान में छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान मीना समाज कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 165 छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशंसक पत्र देकर के सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिनिधित्व आरक्षण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 18 फरवरी 2018 को भोपाल में मीना समाज के महासम्मेलन में और पूर्व विधानसभा भाजपा घोषणा पत्र में मीना समाज को आरक्षण का वादा किया था और केंद्र सरकार को आरक्षण की चिट्ठी भेजने का वादा किया था। वह आरक्षण की केंद्र को चिट्ठी भेजने व विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महोदय गरोड़ को एक ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष लालाराम मीणा, भोपाल महामंत्री मान सिंह रावत, भोपाल महामंत्री रामसेवक मीणा चाचोड़ा, अनिल वर्मा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भवानी मंडी, सुशील चंपा मीणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर संघ, रेलवे जिला अध्यक्ष प्रहलाद मीणा, सेमरोल युवा अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पंडा, रामगोपाल मीणा, जिला उपाध्यक्ष करणी करण सिंह मीणा, दुर्गा शंकर मीणा, अमर सिंह मीणा, पत्रकार घनश्याम मीणा, सभी छात्र छात्राएं एवं सभी समाजजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश मीणा ने किया, आभार प्रहलाद मीणा ने माना। ये कार्यकर्ता सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था, इस विषय में बताइए। मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन द्वारा आज 16 सितंबर 2018 को गरोड़ विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं को लेकर आरक्षण और प्रतिनिधित्व को लेकर एक कार्यक्रम रखा, जिसमें हमारे समाज के होनहार बच्चों को भी सम्मानित किया गया। करीब 250 बच्चे और बालिकाओं को सम्मानित आज किया गया है। और आज की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका वादा पूरा करने के लिए आरक्षण नहीं तो आप वोट नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो वोट नहीं की मांग को लेकर इस समाज के सम्मेलन का आयोजन हुआ। कृष्ण के रथ पर सवार है, कृष्ण उनके साथी है। जिस भीष्म की गोद में बचपन बिछा, जिस द्रोण ने उसको धनुर्विद्या सिखाई, उसके सामने बाण लेकर खड़े हो गए, चला नहीं पा रहे थे। तब कृष्ण ने संदेश दिया कि अर्जुन, तुम धर्म के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, चलाओ बाण और भीष्म को सुला दो सैया पर, बाणों की सैया पर। और आपने देखा कि अपने अधिकारों के लिए और अपनी लड़ाई के लिए।